राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन के दौरान अयोध्या कैंट स्टेशन में पार्सल यातायात पर लगी रोक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिया फैसला। व्यक्तिगत सामान को केवल यात्री कोच में से जाने की अनुमति। जाने वाले यात्रियों के लिए अभी आगरा मंडल में जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं उनके अलावा पूरे देश में आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो देश के सभी बड़े सेंटर्स से अयोध्या के लिए चलेंगी। ये ट्रेनें जनवरी के एंड से लेके मार्च तक चलाई जाएंगी। इनकी डिटेल्स IRCTC के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रेन में राउंड ट्रिप बेसिस पे रिजर्वेशन होगा, आना जाना एक साथ ही टिकट बुक होगा। इसमें केटरिंग और लिनन वगैरह की सुविधा सभी क्लासेस में मिलेगी, AC और स्लीपर में, और इसमें यात्रा के 10 दिन पहले इसकी टिकट बुक की जा सकेगी। अयोध्या जाने वाली कोई भी ट्रेन का उस एरिया में रूट नहीं बदला है। इस एरिया में मथुरा धौलपुर एरिया में कुछ NI वर्क के कारण रूट चेंज है, बट उस डायरेक्शन में जाने वाली कोई ट्रेन अफेक्टेड नहीं है। सुरक्षा कारणों से जानकारी है कि कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 22 तारीख के लिए कोई ट्रेन अयोध्या नहीं जाएगी, ऐसा कुछ है? आगरा मंडल की किसी भी ट्रेन अभी इस तरह से अफेक्टेड नहीं है। ऐसी कोई डाइवर्जन या कैंसिलेशन अभी हमारे मंडल से नहीं किया गया। पार्सल में भी जैसे लोग अयोध्या के लिए कोई पार्सल करते हैं तो उसमें भी अयोध्या के लिए पार्सल नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कुछ जानकारी? ऐसे रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं लगाए गए हैं, लेकिन संभावित है कि 20 से 30 तारीख के बीच में अयोध्या के लिए पार्सल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।